तो हेलो दोस्तों, मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी बैंक का स्विफ्ट कोड कैसे पता करें। सबसे पहले तो आपको क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाकर के आपको सर्च करना है स्विफ्ट कोड फाइंडर। यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पे दिखा रहा है, उसी पे क्लिक करना है। आप क्लिक करने के बाद देखिए हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं किस पे क्लिक करना है। सेकंड वाले नंबर पे स्विफ्ट कोड सर्च वाला दिख रहा है, उसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आगे का प्रोसेस देखिए कैसे करते हैं। सेलेक्ट कंट्री पे क्लिक करके आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरा हम लोग का इंडिया है, तो इंडिया पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेकेंड वाला ऑप्शन है सेलेक्ट ऑफ बैंक, तो आपको बैंक सेलेक्ट करना है। जो भी आपका बैंक है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेरा पंजाब नेशनल बैंक है, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सेलेक्ट सिटी लिख रहा है, तो आपके आसपास में जो भी सिटी होगा उसको डाल दीजिएगा। मेरे यहाँ तो पटना मतलब सिटी पड़ता है, तो वो हम डाल दे रहे हैं, पटना शहर है। तो यहाँ पे नीचे देखिए आपको लिख रहा है सेलेक्ट स्विफ्ट कोड, तो उस पर क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे दो दिखा रहा है, तो आपको चेक कर लेना है कौन सा पटना शहर का है। तो देखिए ये भी पटना का ही है, तो ये अलग जगह का है, मतलब पटना में ही है, दूसरे जगह पे है। तो ये वाला नहीं हमारा हो सकता, क्योंकि हम एक लोग से पूछे थे तो वो बोले ये वाला नहीं है, दूसरा वाला है। तो हम वही दूसरे वाले को क्लिक करके अब देखेंगे वो वाला है। देखिए नीचे वाला यही वाला हमारा है, पंजाब नेशनल का, पटना का। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो चलिए अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।